मेडिसिन कंपनी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, एबटाबाद में। ग्लोबल फार्मा इसका नाम है। इनका एक मेडिकल रैप है, नासर नाम है इसका। इसने एबटाबाद में मुख्तलिफ लेडी डॉक्टर के साथ ठेका लिया हुआ है। यहाँ पे जो इनकी जो ओरिजिनल मेडिसिन है वो यहाँ मार्केट से गायब कर दी जाती हैं, और जो सिंपल फिजिशियन सिंपल होता है जो मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर्स को, वो वहाँ पे रख के 700 रुपये में वो सेल किया जा रहा है। जो गरीब लोग गरीब तबका वहाँ पे आता है उनको वो नुस्खा स्पेशली लिखा जाता है वही उस पर उनके कागज़ पर, और उस पर उसके बाद जो गरीब लोग वहाँ में उनको वहाँ पर आके 700 रुपये का ये सिंपल बेचा जा रहा है। इसकी हम मुकम्मल तहकीक हम कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो में मुलाहजा करें। बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। इसी हवाले से आज जिस मौजू की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी टीम को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि एबटाबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर 2 नंबर अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। हमारी टीम ने इसकी तहकीक को मुकम्मल करने के लिए हमारा नुमाइंदा एक लोकल मेडिकल स्टोर पर भेजा, और ये चेक करने के लिए कि वाकई क्या वहाँ पे 2 नंबर अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं कि नहीं। हमारा नुमाइंदा जब वहाँ पे गया तो नाजरीन वहाँ पे जो चीज़ देखी गई वो सुनकर आप वाकई परेशान हो जाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे जब हमारा नुमाइंदा गया तो उसे वो दवाइयाँ वहाँ पे दी गई जो डॉक्टर को फ्री में मेडिकल कंपनियाँ फ्री में सैंपल के तौर पर देती हैं। अद्वियात के चेकिंग के लिए बनाए गए जो एक अदारा है, ड्रग इंस्पेक्टर जिसको लीड करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर साहब एबटाबाद भर में अपने सिर्फ दफातर तक महदूद हैं, और वो उनके उन्हें मंथलियाँ मिल रही हैं एबटाबाद भर के स्टोरों मेडिकल स्टोरों पर जो है वो नॉन क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, और हर्बल अद्वियात भी वो फरोख्त कर रहे हैं। साथ साथ इसके साथ कमर्शियल पैक के अंदर वो सैंपल डाल के लोगों को 2-2, 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार में फरोख्त करने लगे हैं, और कोई ड्रग इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाते। वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने दफातर में बैठ कर अपने सेक्रेटरीज़ को भिजवाते हैं और मंत्रियाँ ले के आ जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किल का सामना है और अवाम को लूटने का सिलसिला दोनों हाथों से जारी है। नाजरीन पूरे एबटाबाद में एक पूरा माफिया मुतहरक है इस वक्त। हम आपकी जो जिस बात की तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं वो ये है कि पूरे एबटाबाद में जो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर ऐसा हो रहा है कि एक ग्लोबल फार्मा कंपनी का मेडिकल रैप है, नासर नाम को उसका नाम है, वो ऐसा काम करते हैं, इसका पूरा माफिया इनके साथ मुतारक है। वो कंपनी से सैंपल मंगवा के उसके ऊपर कमर्शियल पैक चढ़ा के तो उस वो कमर्शियल पैक आगे बेचे जा रहे हैं आवाम को, और वो तकरीबन 700-700 रुपये में ऐसे ऐसे लोगों को जो गरीब थे, एक यतीम बच्ची को हमने वहाँ पर भेजा, और यतीम बच्ची वो उसको 700 रुपये में एक सैंपल जो फिजिशियन सैंपल होता है फ्री में डॉक्टर को मिलता है, वो 700 रुपये में 5 सैंपल उसने लिए हैं। एक उसने इंजेक्शन जो है वो 700 रुपये का उसको मिला है वहाँ से। ये आवाम के साथ जुल्म हो रहा है सरासर, और इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर गरीब आवाम अपनी आवाज़ उठाती भी है तो उसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात एक और ये है कि जब हम वहाँ पे ग्लोबल फार्मा कंपनी के पास गए तो उनका मैनेजर तक उनके साथ मिला हुआ था, उसने मैं कहा जी कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब तक भी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर जो है ये सैंपल बेचे जा रहे हैं और इस पर कोई बंदा भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जी ग्लोबल कंपनी का मेडिकल रैब नासर जो एबटाबाद भर में वो हर्बल अद्वियात भी सप्लाई करता है स्टोरों पे, और जो सैंपल पे कमर्शियल पैक चढ़ा के और उन्हें सेल करता है जी, उसके ख़िलाफ़ हमने मुतअद्दिद बार जो है सेहत के आला हुकाम से रबते किए हैं और उन्होंने हमारी एक ना सुनी। बाकी की तफसीलात आप वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दुकानों पर इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हमारे पास पड़ा हुआ आप भी बस पड़ोगे ना, लेकिन किसी दुकान पे भी नहीं है ये इंजेक्शन। अच्छा, आपको पता है इस बात का? नहीं, अभी मुझे आर्डर आया है इसका। अभी आया है ना? अभी है, हमारी कार्रवाई के बाद आया है, पहले नहीं आया होगा आर्डर। अच्छा, मतलब आपको नहीं पता ये एबटाबाद में किसी स्टोर पे भी ये नहीं मिलता? नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं पता, आप मैनेजर हैं, मतलब आपको ये नहीं पता? नहीं पता। इसको कौन सा मेडिकल ऐप वो आगे मार्केट में वो कर रहे हैं मार्केटिंग इसकी? इसका है एक नासिर, उसको आप कितना स्टॉक देते हैं सैंपल के लिए? सैंपल के लिए, सैंपल के लिए सैंपल तो हम यहाँ से नहीं देते, वो तो हेड ऑफिस से आते हैं। हेड ऑफिस से आते हैं? हेड ऑफिस से आते हैं। कितने सैंपल आते हैं तकरीबन? ये तो मुझे नहीं पता, उसका जो है ना वो एक कार्टन आता है उसी में होते हैं, हमें हमारा कंसर्न ही नहीं है उससे। अच्छा देखिए, कहानी ये है कि ये इंजेक्शन जो है ना जी, ये सैंपल है, यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स हैं ना अखबार में, ठीक है, ये 700-700 रुपये का इंजेक्शन लिख रही हैं। आपको वो मेडिकल ऐप मिला हुआ है या आप मिले हुए हैं या कोई बंदा मिला हुआ है? अच्छा, ये 700 रुपये का इंजेक्शन बिक रहा है
मतलब जो डॉक्टर सजेस्ट करती हैं वो दूसरा कितना यार उसका दिखा। हमने जो है ना तकरीबन कोई 5-6 इंजेक्शन लोगों ने उन्हें बताया कि यार ये सैंपल है ना तो ये फिजिशियन सैंपल है ठीक है, ये वो डॉक्टर्स दे रही हैं डॉक्टर्स। अच्छा 700 रुपये ले रही हैं? 700? हाँ जी। ये इंजेक्शन आगे किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये जो सब एक ही चीज़ है, सारे सैंपल हैं ये। ये जो 700 रुपये के बेच रही हैं डॉक्टर्स। 700? अभी हमने एक डॉक्टर के गए क्लिनिक में, उससे हमने बात की है तो वहाँ पे हमारा कुछ जाने वाला निकल आया तो हमने तो चलो हमने कहा ठीक है वो आ गए वापस। उसकी उसमें दफ्तर में कोई 8-10 कार्टन पड़े हुए थे वो सारे जो है ना वही है, उसने उठा के फिर वो अपने क्लिनिक से निकाले हैं, बाहर एक स्टोर है वहाँ पे रखवाए हैं। अच्छा अच्छा, मैं अब आपको प्रोसीजर बताऊँ। हमारे पास ये पड़े हुए हैं, आपको मैं अभी वो दिखा देता हूँ कि हमारे पास सैंपल है या क्या। एक ले आओ, मिला कौन सा? ये 500 वाला। ये देखें ये कीमत पड़े ना, ये सारे सैंपल। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये सैंपल जो सैंपल का सिस्टम है वो हेडापे से आता है, वो मेडिकल रैप के पास होते हैं, वो अब किस तरह सप्लाई करता है ये तो अभी देखिए स्टोरों पे भी नहीं है ना। आपको तो पता होना चाहिए, आप मैनेजर हैं, आपको पता होना चाहिए स्टोर पे दवाई है या नहीं है। ये इतना हमारे पास इलाका बहुत है तो ये सारे ये पेशावर तो नहीं, ये छोटा सा शहर है अटबाग, ये मार्केट को इतना सर्च करना ये जो है ना करेंगे हम अभी जो है ना, इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा और जो भी कल्प्रेट होंगे उसको हम जो है ना कानून की दायरे के अंदर जो है ना उसको सजा देंगे जो भी होगा। या उसको ये सैंपल आपकी कंपनी के बिक रहे हैं 700 रुपये के, आधे पैसे डॉक्टर ने। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक पैक आपको अभी स्टोर में लेके जाऊँगा, आपको मैं वो पैक भी दिखाऊँगा कि उसमें हम सैंपल बेच रहे हैं या उसमें ओरिजिनल है। हम यहाँ से जो है ना हम तो उधर भेज दे रहे थे, अब उधर स्टोर में किसी पे ये दवाई नहीं मिल रही, किसी अटबाद में किसी स्टोर पे भी नहीं है, सिर्फ चंद की डॉक्टर्स लिख रही हैं और फिर वो लिख के ये सैंपल 700 रुपये का बेच रही हैं। अभी मुझे वो बंदे के कॉल आई है कि यार इसको 2 पैक या 3 पैक चाहिए गामी अड्डे पे, गामी अड्डे पे जाइए, गामी अड्डे पे सारा काम ही गामी अड्डे पे उधर ही हो रहा है सारा काम। ही हमने करवाई की है। अच्छा, जितनी भी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, जिसकी तो उन्होंने वक्त अपना जो है ना वो धोखे के लिए ना अभी ओरिजिनल मंगवा के वो रखने हैं हमारे पास ओरिजिनल। जो भी आप इस चेक इन बैलेंस कौन करता है, चेक इन बैलेंस किसका है, किस पे? ये जो स्टॉक है स्टॉक के ऊपर चेक इन बैलेंस मेरा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ कि अब जो है ना यहाँ पर हमारे पास जो पड़े हुए सैंपल वगैरह हम इसमें नहीं भेजते यार, सैंपल भेज रहे सैंपल बिक रहे हैं ना मार्केट में। आपको मैं आपको स्टोर में लेके जाता हूँ, ओरिजिनल दवाई पर छोड़े स्टोर को, ये ओरिजिनल दवाई आपको मैं जो सैंपल का तरीका है इसमें ये भी आपकी नहीं लिया। मैं समझता हूँ स्टोर पर दवाई नहीं है आपकी, वो सैंपल डेली डॉक्टर बेच रही हैं, आपका काम है उसको चेक करना, ये मार्केट में दवाई नहीं है वो डेली डॉक्टर ये सैंपल भेज रही हैं 700 रुपये का ये वाला आपका ये पैक है। हाँ, ये दुकान किसी भी नहीं है ये वाला, तो दुकान पे अब हमें ऑर्डर आएगा तो हम बेचेंगे ना। ये नंबर है आपके जो सैंपल बिक रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल हाँ, अभी ये जो है ना अभी ये रह गए, अब ये रिसीव कॉल में मैं आपको बताऊँ, हम आपको यही बता रहे हैं ना कि आप देखें चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे और ये इंजेक्शन की जगह ये सैंपल बिक रहे हैं 700। ये रह गए अभी किस टाइम आया कल, ये मैंने कॉल की अभी इसके 12 उसके मिस कॉल आए नासिर SPO नंबर नोट करें ना नंबर क्या, लेकिन जी नंबर बात इस तरह ना जी उन्होंने सैंपल निकाले हैं अंदर से एक कार्टन पड़ी हुई जी कार्टन निकाले जी ये सैंपल निकाल के उपाय किसी शॉप पे उन्होंने सेव किए हमारे उसके बाद जी अब वो अपना जो है ना काम साइड करने के लिए उन्होंने आपसे कार्टन मंगवाए हैं कि हम कार्टन नहीं मंगवाए 2-3 बैग मंगवाए इतने भी बैग मंगवाए। अच्छा, वो मंगवाए हैं अपना जो है ना काला वो साफ करने के लिए मंगवाए हैं कि हम लोग ये रखेंगे कार्टन भी हमारे पास वही है वीडियो सारी मार पर देखिए हमें ये रखते हैं आप इसमें इन्वॉल्व हैं सारी काम में। अगर मैं इन्वॉल्व देखिए आपकी दवाई स्टोर पे नहीं है, स्टोर पे दवाई अवेलेबल करना आपका काम है। अब बिल्कुल मेरा काम है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा तो हम उसको अवेलेबल करेंगे। अब ऑर्डर नहीं है तो हम किस तरह किसी को भेज देंगे? आर्टिस्ट का भी तरीका जी जी आपके जो मेडिकल लैब्स होते हैं ना ठीक है, उन्होंने बिजनेस देना, अगर वो बिजनेस नहीं देते आपका ये पैसे फजूल पड़े। इसका लेजर निकालो, इसका लेजर निकालो, लेजर निकालो, मेरे लैब का लेजर निकालो। मैं अभी गेट में ये कितना माल फेंका हुआ है अभी मैं आप लेजर निकालो ना यार, क्या कह रहे हो यार, लेजर निकाल के आपको अभी हम बता देंगे कि यार हमने किस किस कस्टमर को ये दिया हुआ है और किस किस को किस दिन पे किया हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है उसका। ठीक है,
इस तरह कोई नहीं है कि मैं ब्लाउज हूँ, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन देखें, ये स्टोरों पे नहीं है, बस सीधी सी बात है, हमें तो एक बात है, आपकी क्या पता पेशावर में बेच रहे हो लेजर के मुताबिक, ये भी होता है ना, यहाँ की दवाइयाँ पेशावर चली जाती हैं, इस्लामाबाद जाके बिक रही हैं, ये तो हम भी इतना समझते हैं, ये इस तरह नहीं होता कि हम पेशावर बेच रहे हैं। देखें जो दूसरी कंपनी है ना, उनका मैनेजर जो होता है जाता है बिल्कुल आपकी बिक्री बेस पे, जाके चेक करते हैं हमारी दवाई किस किस स्टोर पे है किस पे नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारा एक सिस्टम होता है कि अभी एक नया प्रोडक्ट ये है, ये लॉन्च हो गया तो ये क्या क्या करेंगे हम मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाई करेंगे, उसकी जो है ना हम अवेलेबिलिटी बना रहे हैं, मार्केट में ये सप्लाई नहीं की, अब अगर नई लॉन्चिंग हुई थी तो हम जो है ना मार्केट में सप्लाई करते, इसका रेट जो है ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से 700 रुपये की है, ये भी सैंपल 700 रुपये का बिक रहा है, तो वो दवाई कौन खरीदेगा। अच्छा, एक अभी कंपनी का भी नुकसान है, ये पैसे आधे मेरे ख्याल में आप लोग जेबें जा रहे हैं, आधे डॉक्टर ले रहे हैं, जो हमें समझ आ रही है गेम सारी। मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिसमें ये मुलविस होगा उस बंदे को मैं पारित कराऊंगा, या SPO मेरे अंडर वो नहीं आता मेरे अंडर, लेकिन मैं हेड ऑफिस को जो है ना इसकी शिकायत लगाऊंगा, ये मसला हो रहा है और ये इसको हम जो है ना बहुत सीरियस लेंगे, ये कोई इस तरह कोई छोटा मसला जी जी, ये यतीम बच्ची है वो इतने दूर शरवान से आती है उसे नहीं मिलती, जब डॉक्टर के पास जाती है तो इस मैडम के पास जाती है, ये इन्हें आगे से सिंपल निकाल के 700 रुपये में दे रहे हैं, कितनी बड़ी सी अब तो ऐसे में 700 रुपये है, लेकिन हम जो है ना तकरीबन हम दे रहे हैं 595 ये आपके पास रसीदें मौजूद हैं, हमने दिए आपको 700 रुपये का जो है एक इंजेक्शन, ये और मुजफ्फराबाद में हम दिए दिए 700 ये देखिए और ये जो है ना ये देखिए इसमें 10 पैक लिखे हुए 10 पैक इसमें है ही नहीं कि यार हमें भेज दो, तो हम इस तरह खुद से किसी को नहीं बेचेंगे, वो तो कार्टन के कारण वो डेटा को बेच रही है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको ठीक है सही है ठीक है। डब्बा कंपनी का सही जेन्युइन डब्बा है, अंदर जो इंजेक्शन पड़ गया अच्छा, पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और अल्लाह कामयाबी देता है, नियत ठीक होना अच्छा तो कामयाबी मिलती है। चलो मैं भी अभी इसको देखता, आप तो अभी देखेंगे ना, अभी तो ये डबे से कहाँ से लाए होंगे, कितने लोगों के साथ डबे, शायद ये जो है ना इसने कुछ इरेज किया हो, जो ऊपर लिखा होता है ना शायद किसी चीज़ से इरेज किया हो, इंजेक्शन से भी तो कर सकता है, इंजेक्शन से नहीं की तो ये आप डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि आपने किस तरह किया।